नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। बिहार विधानसभा का एक वीडियो इस वक्त यहां काफी ज्यादा चर्चा में है, जिस वीडियो में भारतीय जनता पार्टी के नेता ललन कुमार और यहां पर बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के ऊपर भड़कते नजर आ रहे। आखिरकार क्यों यहाँ पर अब बीजेपी और बात की जाए तो जेडीयू दोनों पार्टियों के जो नेता हैं आपस में ही बिहार विधानसभा सत्र के दौरान भिड़ते नजर आए। बताते चले आपको कि एक वीडियो हम आपके लिए यहाँ लेकर आए। इस वीडियो को पहले सुनिएगा कि आखिरकार ललन कुमार किस वजह से इतनी यहाँ पर कह सकते हैं कि विजय सिन्हा को लेकर काफी ज्यादा बरसते क्यों नजर आए, तो आप ये वीडियो देखिए। ये है कि आप हमेशा गंभीर मामला ही उठाते हैं। जी जी। सो एक नन्ही बाई मध्य विद्यालय यूसीपुर फिर पैती भागलपुर पूरा पूछ रहे हैं। हमने कहा था कि वहाँ ये 50 साल पुराना मध्य विद्यालय है और 50 मीटर की दूरी 100 मीटर की दूरी तय करके बच्चे स्कूल जाते थे, लेकिन वहां पर अतिक्रमणकारियों ने जमीन को अतिक्रमित कर या रास्ता को, अब 1 किलोमीटर घूरकर बच्चे जा रहे हैं और एनएच 133 होकर के जाते हैं और आए दिन एक्सीडेंट होता है। अध्यक्ष महोदय की बच्चे को पहचान नहीं पाता अभिभावक, इस तरह का एक्सीडेंट होता है। लेकिन वहां के भ्रष्ट अधिकारियों ने माननीय मंत्री जी को जवाब भेजा है कि भ्रष्ट अधिकारियों ने जवाब भेजा कि चारों तरफ से रैयती जमीन है और जिस वजह से कि घूर करके नए मोहल्ले से आते हैं। हम अध्यक्ष महोदय पूछते हैं कि वहां पर सरकारी जमीन थी, ये भ्रष्ट अधिकारियों ने उसको सर बंदोबस्त कर दिया वहां पर पैसे वाले सबको। पूरक ये है कि आप स्कूल के आसपास का जो सरकारी जमीन है वहां के सीओ ने जो उसको बंदोबस्त कर दिया, इसकी जांच अध्यक्ष जी कराएंगे। और यह जो गलत आंसर जो सदन पटल पर रखा गया है, वहां का जो आरोप है इतना भ्रष्ट है, उस पर कार्रवाई करेंगे कि नहीं करेंगे, हम पूछना चाहते थे। अध्यक्ष महोदय, जवाब में साफ कहा है कि रेती भूमि के साथ बीचों बीच होते हुए 10 फीट चौड़ा पक्की रास्ता बना हुआ है जिससे विद्यालय तक आवागमन होता है। माननीय सदस्य को लगता है कि गलत जवाब है तो हम विभाग से पदाधिकारी भेजकर इसकी जांच करवा देते हैं। अध्यक्ष महोदय, नहीं जांच की बात नहीं, अध्यक्ष महोदय मांग किया जांच की। नहीं, मान्य अध्यक्ष महोदय जान लीजिए, मैं उसी मौजे में, मेरा घर है 12-8 में और वहां से हम लोगों ने पढ़ा लिखा है। वो महज 50 फीट की दूरी तय करके हम लोग जाते थे, आज 1 किलोमीटर इन्हें ब्लॉक कर दिया। NH80 होते हुए 1 किलोमीटर चक्कर काट के बच्चे जाते हैं, बच्चे का एक्सीडेंट होता है, मर जाता है रोड पर। और एक बार पूरी बात मैंने बता रहा हूँ अध्यक्ष महोदय, एक मिनट टाइम दीजिए। मेरा घर है वहाँ के, आज वहाँ का आरो इतना भ्रष्ट है, पिछले सप्ताह जमीन बांटा और 2 तल्ला मकान वाले सबको जमीन दे दिया। आरो से जब पूछे कि लिस्ट भेजो, लिस्ट नहीं भेज रहा है, इतना भ्रष्ट आरो वहाँ पर है। हम कार्रवाई की बात करें, माननीय मंत्री कार्रवाई करें कि नहीं करें हमको ये बता दीजिए। जांच के बाद दूसरी चीज ये नहीं जी माननीय सदस्य, जांच होगी तभी तो कार्रवाई होगी। तो आप किस पर सहमत हैं ये बता दें, मिलकर के भी बता देंगे, इसको प्राथमिकता में हम लोग करा देंगे। अध्यक्ष महोदय, एक छोटा सा अध्यक्ष महोदय, अगर मान लेते हैं अगर रैयती ही जमीन है, आप बताए कि 1 किलोमीटर हाईवे, एक ही बात बार बार एक सुन लीजिए, अगर हम ये करें कि स्कूल के लिए रास्ता एक वायर भी करने की इच्छा रखते हैं क्या, बहुत छोटा सा रास्ता है। अभी जांच करने दीजिए, पहले जांच करने के बाद रिपोर्ट आएगी। ऐसा नहीं हो तो नहीं, एक वायर करके रास्ता दिया जाए वहां पर। अध्यक्ष महोदय जी, श्री सुरेंद्र मेहता पूरक पूछिए। महोदय आवाज दो भाई, ये जवाब नहीं मिला है, देखा नहीं है क्या है, बोलिए ना। अरे बोलो तो भाई, माननीय मंत्री राजभाग। अध्यक्ष महोदय, उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है। समाहर्ता बेगूसराय से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार मामला मूल पूंजी में छेड़छाड़ से संबंधित है, जिसमें जमाबंदी संख्या 64, थाना नंबर 311, खाता 68 खेसरा 532, किस्म गैरमजरुआ खास, जमीन का गलत तरीके से पंजी 2 में ओवर
राइटिंग कर बेलगान जमीन जिसका खसरा 533 535 है, मैं रकबा 2 कट्ठा 7 धूर एवं 2 कट्ठा 7 धूर कर दिया गया है। जहां तक असामाजिक लोगों द्वारा दखल कब्जा का प्रश्न है, अंचल अधिकारी भगवानपुर द्वारा जांच कर सभी दोषी कर्मियों को चिन्हित करने की कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में अंचलाधिकारी भगवानपुर के द्वारा पत्रांक 14/88 दिनांक 22/12/23 तथा पत्रांक 162 दिनांक 7/2/2024 द्वारा संबंधित राजस्व कर्मचारी से स्पष्टीकरण की मांग की गई है। सभी दोषी कर्मियों के विरुद्ध संबद्ध कार्रवाई की जाएगी। आपने देखा इस वीडियो में कि यहाँ पर ललन कुमार ने विजय सिन्हा को बहुत सारे सवाल पूछे, विजय सिन्हा भी यहाँ पर कुछ बातें करते नजर, लेकिन आखिरकार ऐसा हुआ क्या कि यहाँ पर ललन कुमार ने सवालों की झड़ी लगा दी और उन सवालों के जवाब देना विजय सिन्हा के लिए एक मुश्किल का सामना करने जैसे हो गए। इस रिपोर्ट पर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।